भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के महापौर जावेद दलवी जी से खास मुलाकात। हम आपको बता दें कि विशेष तौर पर 23 जनवरी से 22 फरवरी तक की जो अभय योजना लागू कर दिया गया है, उस विषय को लेकर हमारे चैनल के संवाददाता ने महापौर जावेद दलवी जी से मुलाकात की। उन्होंने अपने वक्तव्य में अभय योजना को लेकर नागरिकों से किस तरह का आह्वान किया, देखिए इस विशेष रिपोर्ट। क्या जानकारी दी कि अभय योजना एक बार लागू करना, फिर इसके बाद एक महज एक महीने का समय देना, जानकारी दी इसके बारे में? अभय योजना लागू करने का हमारे तमाम पार्टी के नगर सेवक और दूसरे पार्टी के नगर सेवक भी, उसके लिए हमारे पार्टी अध्यक्ष सब लोगों की तरफ से डिमांड आ गया। शहर के लोगों को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि इसके पहले जब हमने प्रायोरिटेशन का जब मैटर लाया था महासभा में, तो हमारे लोगों ने हमसे ऐसी रिक्वेस्ट की कि 50 से 60% हम वसूल करेंगे और वो वसूलियाँ करने होंगे तो आप सख्ती से कोई भी कार्रवाई कर सकते। मगर उसके बाद आज तक के जो वसूली परसेंटेज है वो सिर्फ 8.42% वसूली हुई है, और वसूली न होने की वजह फिर उसके बाद में लोग कहने लगे कि अगर आप कल प्रायोरिटेशन में जाते हैं या कल आप कोई कठोर निर्णय लेते हैं तो कम से कम लोगों को एक मौका देना चाहिए। एक मौका ये दो कि लोगों को कम से कम एक महीने की छूट दी जाए, जिसके लिए हमारे कमिश्नर कतई तैयार नहीं थे। कमिश्नर ने नहीं आखिर घटने पहले स्टैंडिंग में चर्चा हुई उस मुद्दे पर, उसके बाद मैंने सब पदाधिकारी घट नेताओं की मीटिंग बुलाई, उसमें भी कमिश्नर हमारे बात जीतते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा अपन नहीं दे सकते। मगर उसके बावजूद कमिश्नर को हमने कन्वेंस करके और एक महीने की छूट देने के लिए तैयार किया, और वो निर्णय मीटिंग में हो गया कि एक महीने की हम इस शहर के लोगों को अभय योजना के तहत 23 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक की मुद्दत दी जा रही है। इस दरमियान लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा लेके अपना टैक्स का जो बाकी है उनके ऊपर उसको आधा करने की पूरी तरीके से कोशिश करना चाहिए। अभी ब्याज का मैटर बोले तो हर कोई अगर हर साल अपना घर का टैक्स भरे तो उसको ब्याज भरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग अगर हमारे सालों साल बाकी रखेंगे और उसके बाद बोलेंगे अभय योजना लगाओ या ये करो या ब्याज माफ़ करो, तो हमको भी अगर हमने शहर के विकास काम के लिए अगर पैसा लिया है लोन के सूरत में तो उसमें भी हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है, चाहे MMRDA कर रहे हैं, चाहे बैंक कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट कर रहे हैं। तो जब हमको इंटरेस्ट भरना पड़ता है और हमारे अमाउंट का, और उसके बाद आज 8.42% वसूली है, गए साल में 17% वसूली हुई, जिसमें 8,12,79,000 रुपये हमने ब्याज में छूट दी, तो भी लोगों ने पैसा नहीं भरा। हमको प्रायोरिटेशन का कोई शौक नहीं है, हमको सिर्फ यही है कि लोगों ने अगर लोग पैसा भरेंगे तो लोगों को जो मूलभूत सुविधा हमको देनी है वो मूलभूत सुविधा हम पूरी तरीके से लोगों को दे पाएंगे। लोग हमसे चार चीज़ मांगते हैं, पानी मांगते हैं, साफ सफाई मांगते हैं, लाइट मांगते हैं, रास्ता मांगते हैं। ये चार चीज़ महापालिका की मूलभूत सुविधा के देने की जो जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी पूरी करने के लिए अगर 10 महीने और 12 दिन के अंदर 22 दिन के अंदर अगर हमारे पास 29 करोड़ रुपए वसूली हुएंगे तो हम किस तरीके से लोगों को 10-11 महीने में ये सुविधा दे पाएंगे 29 करोड़ में। तो मेरी लोगों से विनंती है कि लोगों ने अपना टैक्स आधा करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग टैक्स आधा करेंगे तो उतनी ज़्यादा लोगों को हम मूलभूत की सुविधा दे पाएंगे, मूलभूत क्या करना पाएंगे। उसके अलावा आजू बाजू के जो हमारे शहर हैं, थाना है, कल्याण है, मीरा भाईंदर है, न्यू बम्बई है, वैसाई विरार है, कल्याण है, ये तमाम शहरों का परसेंटेज 90% प्लस हो जाता है और हमारा परसेंटेज 16-17% जो रहता है, जिसके वजह से गवर्नमेंट लेवल पे हमको बहुत इंसेंटिंग फील होती है। जब मीटिंग रहती है सब महापालिका के कमिश्नर और महापौरों को बुलाया जाता है, उसमें सब आड़ावा लिया जाता है, उसके अंदर बाकायदा पूछा जाता है हर महापालिका का परसेंटेज क्या है, वसूली का कितना पैसा है, और उसके बाद गवर्नमेंट से हम कोई भी चीज़ का डिमांड करते तो गवर्नमेंट बोलती है कि 300 करोड़ आपका पब्लिक के ऊपर बाकी है, पहले जाके आप वो पैसा वसूल करो बाद में हमसे मांगो, तो गवर्नमेंट भी उसमें। और इस वक्त तो हमको सेक्रेटरी मैडम ने एकदम स्ट्रिक्टली वार्न किया है कि अगर इस साल तुमने अच्छा वसूली परफॉर्मेंस नहीं किया तो हम तुम्हारे ग्रांट में भी कपत करेंगे। ग्रांट में कपत अगर होंगे तो हमारे पगार की मुसीबत हो जाएंगी,
हम पगार देने के भी पोजीशन में नहीं रहेंगे कि हर महीने में हमको 14 से 15 करोड़ रुपये पगार के लिए लगते हैं, तो उसमें से भी हम निकल जाएंगे। तो इसके लिए मैं पूरे पब्लिक से आह्वान करता हूँ कि अब पब्लिक इसमें हमारा भरपूर साथ दे। जो योजनाएं हमने लागू की है आप लोगों के लिए की है, हमारे नगर सेवकों की पूरे विनंती थी उसके लिए की है, हमारे लोक प्रतिनिधि की विनंती थी उसके लिए की है, तो तमाम लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके और अपना जो टैक्स अदा करने का एक महीने का, इसके बाद कोई अभय योजना होने वाली नहीं है, तो इसके लिए लोगों ने इसको आखिरी अल्टीमेटम समझे, आखिरी मौका समझे, जो भी कुछ समझना हो समझे, और ये जो हमारा टैक्स का पैसा है वो अदा करने की कोशिश करें। इतना कह के मैं लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि इसमें हमको आप मदद करेंगे, ऐसी उम्मीद रखते हैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करने का मौका। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ, तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज़ टीवी न्यूज़, धन्यवाद।